आज मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल फितर है, लेकिन कोरोना संकट के कारण मस्जिदों और ईदगाहों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकारी आदेश पर काफी कुछ खोलने की अनुमति मिली है, लेकिन धार्मिक स्थल अभी भी बंद है। इस वजह से लोग घरों में ही इबादत कर रहे हैं। साथ ही मुस्लिम समाज के लोगों के साथ साथ जिला प्रशासन ने भी लोगों से मस्जिदों में नहीं आने की अपील की थी। आमतौर पर मुस्लिम समाज के इस त्यौहार पर बाजार से लेकर मस्जिदों तक सुबह से ही भीड़ होती है, लेकिन कोरोना ने ऐसा पैर पसारा मस्जिद और ईदगाह सूने पड़े हैं। ये तस्वीरें हैं उत्तम नगर के इस ईदगाह की, जहां बिल्कुल सन्नाटा देखने को मिल रहा है। साथ ही विकास नगर की मक्की मस्जिद के साथ साथ कदारिया जिलानी मस्जिद पर भी सन्नाटा पसरा है। हमें जो आदेश गवर्नमेंट ने दिया और जो हमारे उलमाओं ने दिया कि ईद की नमाज अपने घरों में पढ़िए और सोशल डिस्टेंसिंग से पढ़िए, और मस्जिदों में जैसे आपने देखा कि ताले लगे हुए हैं, मस्जिद पूरी खाली है, सुबह 7 बजे का वक्त है। 7 बजे के वक्त में लोग को मना कर दिया गया कि कोई मस्जिद की तरफ ना आए, अपने घरों में नमाज अदा करे, प्रधानमंत्री जी की बात मानी जाए, हमारी गवर्नमेंट की बात मानी जाए, हमारी सरकार जो आदेश कर रही है हम उसका पूरा पालन कर रहे हैं, जिंदे रहेंगे तो ईद और दिवाली हम लोग मिलकर मनाने जी। और ज़्यादा बेहतरी है कि सब भाइयों को यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अपने घरों में पढ़िए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए और इस बीमारी की चैन को तोड़ने के लिए दूरियां बनाइए। कोरोना महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन है और लॉकडाउन की इस स्थिति में इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तम नगर की सबसे बड़ी ईदगाह में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। ईद का दिन है और तमाम जो पुलिस प्रशासन है या फिर वो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उन सभी की तरफ से तमाम लोगों से ये अपील की गई है कि वो घरों में रह कर के ही नमाज को अदा करें, ईदगाह में या मस्जिदों में आकर ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ना आए। इस वक्त हमारे साथ में ईदगाह के एक खादिम है जो कि यहाँ की देखरेख में है, वो बताएंगे कि किस तरह से लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों में रह करके ईद की नमाज को अदा करें या फिर यहाँ ना आए, क्योंकि लॉकडाउन का पालन भी करना है, किस तरह से करें। जी अपना नाम बता दीजिए। जी मैं वसी हसन कासमी, जी यहाँ ईदगाह में रहता हूँ, और इस साल ये कोरोना की महामारी से बचने के लिए यहाँ नमाज अदा नहीं की गई, लोग अपने घरों में नमाज अदा किए। सन्नाटा पसरा हुआ है, बिल्कुल पूरा सन्नाटा है, देख सकते हैं। कमेटी की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी लोगों से अपील की गई है, तो लोगों ने माना भी है और सब ने अपने घरों में नमाज अदा की है। जब हम इस बीमारी से निकल जाएंगे तो इंशाल्लाह आगे चल के जब हमारी ईद आएगी या कोई भी त्यौहार आएगा तो उसको धूमधाम से मनाएंगे। असल इस बीमारी से हमें निमटना है, निकलना है, नजात पाना है। एक वक्त ऐसा था कि यहाँ पर पांव रखने के लिए जगह नहीं। जी जी हर साल जो है जब भी ईद का मौका आता है तो पूरा ये भरा हुआ होता है, बिल्कुल पांव रखने की जगह नहीं मिलती है, बल्कि छतों पे भी लोग नमाज़ पढ़ते हैं। और लोगों से क्या अपील है कि वो ईद के बाद भी अगर वो अपने घरों में रहकर नमाज अदा करें जब तक इस बीमारी से निजात नहीं पा जाते। जी हाँ, हर मस्जिदों से यही ऐलान किया जाता है कि जब तक हुकूमत की तरफ से ये कानून लागू हो तो हमें भी इसको पालन करना है और घरों में ही नमाज अदा करनी है। जी तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि तमाम तरह की जो भी, चाहे वो प्रशासन हो या फिर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उन्होंने भी इस बात को माना है और कहीं ना कहीं कहीं पालन भी होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जब धर्म ईद की बात अगर हम करें, जब ये बीमारी ही नहीं ख़त्म होगी तो हम ईद और दिवाली या फिर कोई भी त्यौहार हम किस तरह से मना सकेंगे। मोहम्मद अजीज, समाचार टुडे, दिल्ली। खुशी के इस दिन पर जहां रौनक होती थी वहां कोरोना के कारण सन्नाटा है, और इस बड़े त्यौहार पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मस्जिद कमेटी के साथ साथ प्रशासन ने भी बाहर नहीं निकलने की अपील की थी, जिसका लोग बखूबी पालन करते दिखाई दिए।